ये देखिए रो 25 पे आ गए, तो रो 25 एक फंदा स्लिप करेंगे एज इट इज का, और अब कोई फंदा हमारे पास उल्टा नहीं बचा है, तो अब हम इसको डायरेक्ट ही ट्विस्ट कर देंगे बुनाई को। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से देख, अब ये पीछे वाले इधर से करेंगे, ये हमारा ट्विस्ट हो गया। अब सारे फंदे बीच के उल्टे, 12 फंदे उल्टे आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब ये देखिए ये फिर से ट्विस्ट करेंगे हम ऐसे, ये बैक साइड से, ये देखिए। तो बस यहीं से हमारा ये पैटर्न जो है जॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पे दोनों देखिए इस तरीके से पूरा यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ये ऐसे, तो अब जो है हम यही अपना पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे।